गणेश चतुर्थी निमित्त आज 13 सितंबर 2018 को श्री गणेश भक्तों द्वारा गणपति बप्पा मोरिया की जय घोषणा से गणेश विघ्नहर्ता का स्वागत किया गया। विघ्नहर्ता गणराय को घरों घर उत्साह पूर्ण वातावरण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया गया। इस वर्ष 11 दिनों तक गणेशोत्सव जारी रहेगा और 23 सितंबर 2018 को अंत चतुर्दशी को श्री गणेश का विसर्जन किया जाएगा। खामगांव शहर के मान लाकड़ी के गणपति की भी स्थापना की गई है। पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने निवास स्थान पर श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना कर स्थापना की। स्थानीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर पालिका मैदान पर श्री गणेशाय के भक्तों की खूब गर्द उमड़ पड़ी थी। भक्त सार्वजनिक गणेश मंडल बाल गोपाल गणेश मंडल आदि के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी धूमधाम से श्री गणेश जी की मूर्ति हर्षोल्लास के साथ ले जाकर स्थापना करने में जुट गए। श्री गणेश भक्त अपने परिवार के साथ नगर पालिका मैदान पर पहुंचकर श्री गणेश की मूर्ति अपने घर ले जाकर स्थापना करने में जुट गए। सुनील मावरे, बाल गजानन गणेश मंडल, पंडित कलश क्रीड़ा मंडल, पदमपुरा, संभाजी नगर, औरंगाबाद। हमारे मंडल में दो मूर्तियां थी चांदी की, वो एक करने के लिए हमने खामगांव सिल्वर पार्क कमलनाथ सेठ इनको हमने चूज किया और यहाँ 32 किलो की मूर्ति हमने बनाने का निर्णय किया और यहाँ पर बहुत बढ़िया मूर्ति, ये सिल्वर विश्वकर्मा सिल्वर इसमें अच्छी तरह से बनाई है। श्री जगदीश प्रसाद जांगीर के विश्वकर्मा सिल्वर हाउस के प्रतिष्ठान करीबन 125 साल पुरानी है। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं। ये मूर्ति गोपाल गणेश मंडल औरंगाबाद की है और इस मूर्ति का विशेष महत्व ये है कि ये 100% प्योर चांदी के अंदर बनी है और ये पूरी 100% हैंडमेड है, बिना डाई के हमने इसको बनाया है और इसकी कीमत करीबन 15 से 16 लाख रुपए है। वीसीएन न्यूज के लिए खामगांव से प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।